नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 के 200 वर्ड्स के मॉडल क्वेश्चन आंसर आपके यूपीपीएससी मेंस 2018 के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके मेंस के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे रहा है, ठीक है, सिर्फ 7800 रुपीज़ में। यहाँ पे कोर्स के सारे डिटेल्स दिए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपकी यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कोई भी इंक्वायरी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा आखिरी सेट है जनरल स्टडीज पेपर 4 का, दिस इज योर सेट 5, ठीक है, ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 4। इस लेक्चर में वील ट्राई टू गो अ लिटिल फास्ट, बिकॉज कोशिश है कि इसी लेक्चर में आपका पूरा ये सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर दिया जाए। तो काइंडली कोऑपरेट, ठीक है ना। सारे आंसर्स आपके सामने हैं, तो अगर कहीं पे मिस आउट होता है तो प्लीज आंसर एक बार पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। द एग्जाम इन एथिक्स वर्सेस मोरालिटी एंड वैल्यूज, ठीक है, मोरालिटी करना इन द डे टू डे लाइफ एंड इन द रिलीजियस स्फीयर। देखो, एथिक्स और मोरालिटी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो मोरालिटी है, दिस इज सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज अंडरस्टूड एज गुड एंड ईविल। एथिक्स क्या होता है? ये फिलोसफिकल डिलिब्रेशन है दैट कम अप विद मॉरल जस्टिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जो हमारे मॉरल वैल्यूज को गाइड करते हैं। यानी कि एथिक्स का वाइडर स्कोप है देन मोरालिटी, ठीक है। हाउएवर स्टिल जो टर्म्स हैं इनको ऑफन इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मोरालिटी क्या हो गई? मोरालिटी बेसिकली सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है व्हिच इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज अंडरस्टूड एज गुड एंड ईविल। एथिक्स क्या होती है? फिलोसफिकल डिलिब्रेशन दैट कम अप विद द मॉरल जस्टिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जो हमारे मॉरल वैल्यूज को गाइड करती है, ठीक है। मोरालिटी कैन लिमिट द स्कोप ऑफ ह्यूमन डिलिब्रेशन determining the goals and means towards the human ends. Ethics jo hai, it lays faith in the free will of the individual. Ye enough room deta hai for the individual to deliberate upon different means of an end while also providing a moral justification for the same. Theek hai, obligatory jo character hai aapke ethical norms ka is derived from the very fact that they are derived on the basis of experience of ages based on human free will. However, it should not be believed ki ethical principles jo hai timeless hai. Ethical principles ye change hoti hai. Timeless ka matlab ye change nahi hoti, theek hai, constant. लेकिन ऐसा नहीं है। एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, दिस चेंज विद टाइम, प्लेस, सोसाइटी, सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नॉर कैन एथिकल प्रिंसिपल्स बी डेवलप्ड इंस्टेंटली, ठीक है। ये इवॉल्व होती हैं थ्रू एजेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस से, एंड दे आर ऑलवेज रिलेटिव अपने सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। दैट इज वाई बिहेवियर जो जिसको इनकंसिस्टेंट देखा गया है विद एथिकल प्रिंसिपल्स, दे कैन बी पार्ट ऑफ एथिक्स ऑफ अनदर सोसाइटी। एथिक्स हमेशा रिलेटिव होती हैं टू द सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल। हाउएवर, इट रिमेंस अ यूनिवर्सल फैक्ट कि एथिक्स जो है सेंट्रल है इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या एथिकल फ्रेमवर्क का? इट इज रेसिप्रोसिटी। यानी कि एवरी कल्चर बिलीव्स कि वन मस्ट डू टू अदर्स व्हाट वन एक्सपेक्ट्स द अदर्स टू डू फॉर वनसेल्फ। दस हम लोग ये कह सकते हैं एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे जो हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं एंड अपनों से भी खुद से भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। महाभारत में भी ये प्रिंसिपल देखा गया है, डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट बी डन बाय। क्रिश्चियनिटी में देखा गया है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड दे वुड डू अन टू यू, ठीक है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा वो आपके साथ करेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट वी शुड नॉट डू एनीथिंग जो हमारे इंट्रेंसिक नेचर स्वभाव से परे है, ठीक है। बैटिंग सच आर ह्यूमननेस जो है ये अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। एक और डेफिनेशन जो एथिक्स का है, दैट कैन बी कंक्लूडेड एज एक्टिंग इन द लाइट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक मूल्य जो होते हैं जिसको हम व्यू कर सकते हैं एज अ बॉडी ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। ह्यूमन सोसाइटी के मेंबर हैं हम, तो वी ओ टू द सोसाइटी रिस्पेक्ट टू इट्स ईथोस एंड वैल्यूज। हमारा जो बिहेवियर सोसाइटी में, इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज जिसको हम अधियर करते हैं, वी शोकेस द वर्ल्ड, ठीक है। मॉरल कोड्स क्या होता है? एथिकल क्राइटेरिया है जिसे रिलीजियस आइडिया से लिंक किया जाता है। ट्रू, द रिलीजन जो है ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम डार्कनेस, जो ह्यूमन लाइफ को गाइड करती है टुवर्ड्स वर्चुअसिटी। वर्चुअसिटी मतलब वर्चुअल वैल्यूज, वर्च्यूज। लेकिन रिलीजन सिर्फ एक हिस्सा है एथिक्स का। स्कोप ऑफ एथिक्स जो है रिलीजन से भी काफी बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी एथिक्स काफी बड़ा रोल प्ले करता है इन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज व्यूड एज मार्चिंग टुवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर। कोड ऑफ कंडक्ट जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एस्टैब्लिश करता है नथिंग बट अ कोड ऑफ एथिक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन अधियर टू करता है। थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग एथिक्स देखते हैं। तो डिस्टिंक्शन एथिक्स और वैल्यूज के बीच में क्या है, इसको ऐसा देख सकते हैं आप। वैल्यूज जो होती हैं, दीज आर यार्डस्टिक्स। यार्डस्टिक मतलब स्केल है जिसे आप मेजर कर सकते हो डिजायरेबिलिटी अनडिजायरेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर एक्ट या प्रैक्टिस का। दिस नेचर ऑफ वैल्यूज कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज हो सकती हैं जो सारे कल्चर सोसाइटीज जो हैं वैल्यू करती हैं, जिसको एडमायर करती हैं। एथिक्स क्या होता है? बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज का ह्यूमन सोसाइटी में। एथिकल प्रिंसिपल जो है, दे कैन बी ऑल्टर्ड टू डिफरेंट शेड्स ह्यूमन पर्पस को सूट करने के लिए। देखो,
वैल्यू जो होता है मोर और लेस यूनिवर्सल होता है, एथिकल प्रिंसिपल्स कस्टम मेड होता है बाय एवरी सोसाइटी एंड डिपेंड्स अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल। इफेक्टिवनेस रेपुटेशन किसी भी व्यक्ति का डिटर्मिन होता है दो फैक्टर से, एक तो स्किल्स जो कि विच आर नथिंग बट टेक्निकल कॉम्पिटेंसी किसी भी टास्क परफॉर्म करने का। स्किल्ड पर्सन जो है एफिशिएंटली आ करता है, लेकिन सिर्फ स्किल्स होना ही पर्सन को डिजायरेबल नहीं बनाता, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो है विच मेक्स अ पर्सन डिजायरेबल इन सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है वैल्यूज या एथिकल प्रिंसिपल जो पर्सन होल्ड करता है। कॉन्ट्रीब्यूशन रोल इंडिविजुअल का इन द सोसाइटी इज डिटर्मिंड बाय द वैल्यूज जो वो होल्ड करता है। पर्सन ऑफ हाई वैल्यू कैरेक्टर जो है ये सोसाइटी में अच्छा लाएगा, ठीक है, एज अ होल। लेकिन जो जिसमें पुअर वैल्यूज हैं या फिर जिसमें वाइसेस हैं वो सोसाइटी में डिवेस्टेशन लाएगा। दैट इज वाई स्किल्ड पर्सन विद मेनी वाइसेस ये बिगर थ्रेट है देन अ पर्सन विद लो स्किल बट हाई वैल्यूज। समझ में आया? इज चेंजिंग एटीट्यूड नेसेसरी बिहेवियर चेंज करने के लिए एंड चेंजिंग बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस। लोग जो है ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन होल्ड करते हैं बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर जो फर्दर कॉम्प्लिकेट होता है बट सोशल फैक्टर्स जो दोनों को ही साथ में इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियर्स यूजुअली बट नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। हमने सुबह भी देखा है, सुबह मतलब पहले भी देखा हमने कैप जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव एंड एटीट्यूड ये आपका क्या है अफेक्टिव जो कॉम्पोनेंट है आपके एटीट्यूड के दे अफेक्ट द बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो एक मैन जो है स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है एब्सटिनेंस बिफोर मैरिज, एब्सटिनेंस मतलब कि नो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर मैरिज, तो वो वर्जिन रहेगा टिल द वेडिंग नाइट। Under other circumstances, same man may engage in premarital sex despite his conviction after being influenced by social measures कि उसकी masculinity जो है वो sexual activity पे dependent है। Ideally, positive attitudes जो हैं manifest करते हैं well-adjusted behaviors. However, some cases में healthy attitudes harmful behavior में भी result कर सकते हैं। For example, someone may remain in abusive and potentially deadly domestic situation क्योंकि इनके negative attitude है towards divorce. समझ में आया? यानी कि attitude भी behavior को affect करते हैं। Positive attitudes वेल एडजस्टेड बिहेवियर और कुछ केस में हेल्दी एटीट्यूड जो है वो हार्मफुल बिहेवियर पे भी में रिजल्ट कर सकता है। जैसे कि अगर किसी का डिवोर्स के प्रति अगर एकदम नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो व्यक्ति खासकर जो वेमेन होती हैं वो उस मैरिज में स्टिक करेंगी डिस्पाइट दैट रिलेशनशिप उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह काफ़ी सफर कर रही है उसके बावजूद। बिहेवियर जो है ये इन्फ्लुएंस होता है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड एटीट्यूड जिसमें प्री कंसेप्शन है दूसरों के बारे में अपने खुद के बारे में भी, ठीक है। Monetary factors, social factors, etc. ठीक है। Someone may have strong convictions about improving the public school system अपने town में but it means a hefty increase in property taxes. तो उसके against vote कर सकते हैं और simply not vote at all because their polling place is too far from the home. Studies have demonstrated क्या कि कुछ cases of pointing out inconsistency between attitude and behavior. ये behavior को redirect कर सकता है। In case of the school supporter showing that their actions are harming rather than helping efforts to improve education उनके टाउन में, ये उनके उनको फोर्स कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो अपने बिहेवियर को रिवैल्यूएट करें सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स देयर एटीट्यूड्स। समझ आया? तो यानी कि एटीट्यूड बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी अगर किसी को पॉइंट आउट किया जाए तो वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। फॉर दोज नीड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट काफ़ी ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं दैट फोकसेस ऑन चेंजिंग एटीट्यूड्स ताकि उनके बिहेवियर को चेंज किया जाए। कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये दो टेक्निक है। इसमें से कॉग्निटिव थियरी क्या है, ये इरेशनल वेज ऑफ थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थियरी जो है थेरेपी है ये करेक्ट करता है रिजल्टिंग इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, ठीक है। चेंजिंग एटीट्यूड टू चेंज बिहेवियर, एटीट्यूड बिहेवियर जो है दीज आर वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। एंड रिसर्च ने शो किया है कि इंडिविजुअल ये रजिस्टर करते हैं इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ गुड और बैड टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट दे एनकाउंटर इन लाइफ। एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल कैंपेन, दूसरे जो पर्सुएसिव मीडिया मैसेजेस हैं दीज आर बिल्ट ऑन द प्रमाइस की बिहेवियर जो है एटीट्यूड से फॉलो होता है। एटीट्यूड कैन बी इन्फ्लुएंस विद द राइट मैसेज डिलीवर्ड इन द राइट वे। सोशल और बिहेवियर साइकोलॉजी ऐसे रिसर्च क्या है बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप एंड द मोर साइकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बोथ द मोर इफेक्टिवली ये लोग मेंटल डिसऑर्डर वगैरह ट्रीट कर सकते हैं। सोशल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कंबाइंस कॉग्निटिव बिहेवियरल कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी विद सोशल साइंस एंड कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक्स ताकि इंकरेज या डिस्करेज किया जाए पर्टिकुलर बिहेवियर्स को बाई चेंजिंग द एटीट्यूड्स दैट कॉज देम, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ एजुकेशन का भी की पार्ट है। कैंपेन्स प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रीनेटल केयर, ठीक है, एब्सेंस फ्रॉम ड्रग यूज एक्सेट्रा जो है इनका काफी बड़ा इफेक्ट है, ठीक है, सोशल मार्केटिंग में देखा गया इसका। इन इफेक्ट सोशल मार्केटिंग इज सेलिंग एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स एंड आइडियली इन्फ्लुएंसिंग एसोसिएटेड बिहेवियर। और चेंजिंग बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, अब देखो हम लोग उल्टा एस्पेक्ट देखेंगे, हम लोग बिहेवियर चेंज कर लेते हैं एटीट्यूड चेंज हो, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, एटीट्यूड चेंज करो, बिहेवियर चेंज करना। 1955 में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशन है आपके जॉर्ज केली, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया साइकोलॉजी ऑफ पर्सन कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। केली के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं they were based on the idea कि each individual looks at the world through his or her unique set of preconceived notions about it, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट कहा गया है, जो आपके खुद के नोशन ये नजरिया है पूरी दुनिया का उसके थ्रू आप जो देखते हैं पूरी दुनिया को या किसी भी व्यक्ति को, ठीक है,
तो उसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये नाम याद कीजिएगा, जॉर्ज केली एंड उनके जो कंस्ट्रक्ट्स है, ये कंस्ट्रक्ट चेंज करते हैं, अडाप्ट करते हैं एज इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन। एट हार्ट केली का थियोरी इज दैट इंडिविजुअल जो है नए एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस जो है सीख करते हैं, यानी नए बिहेवियर्स भी अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपने एटीट्यूड चेंज कर सके टुवर्ड्स वर्ल्ड, ठीक है। ही रिकमेंडेड कि जो थेरेपिस्ट हैं इनको अपने पेशेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि नए बिहेवियर्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो ट्राई आउट करें। ही एंड अदर्स फॉलो फ्रीक्वेंटली दैट पेशेंट जो है इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए दीज यूजफुल न्यू बिहेवियर पैटर्न्स एंड सब्सिक्वेंटली चेंज द बिहेवियर। आपका एटीट्यूड के साथ इनकंसिस्टेंट होगा, समटाइम्स ये रिजल्ट करेगा ऑफ इट विल बी अ रिजल्ट ऑफ सोशल और पीयर प्रेशर। जब एडल्ट बिहेवियर जनरली फॉलो करता है फ्रॉम हेल्ड एटीट्यूड्स, फॉर चिल्ड्रन एटीट्यूड्स आर ऑफन शेप्ड बाय ऑब्जर्व बिहेवियर। काफी यंग एज से चिल्ड्रन जो है अपने दे कॉपी द एक्शंस ऑफ अदर्स एंड टू अ डिग्री बिल्ड देयर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स फ्रॉम दिस लर्नड बिहेवियर। जैसे जैसे चिल्ड्रन एडोलेसेंस में ग्रो करते हैं तो बिहेवियर इनके पीयर्स का कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। समटाइम्स ये जो पीयर प्रेशर फैक्टर है ये एडवांटेज में यूज हो सकता है। वन रिसर्च स्टडी हैज फाउंड कि एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स जो टारगेटेड होती हैं टीचर्स टीनेजर्स पे, दिस कैन हैव अ हायर सक्सेस रेट जब एडोलेसेंट पीयर्स जो हैं इनको इंस्ट्रक्टर्स की तरह यूज किया जाए। दसवां सवाल देखते हैं, मोरालिटी ऑफ एन एक्शन क्या ये डिपेंडेंट है अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्ट, और क्या कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है आपकी मोरालिटी नैतिकता। एग्जाम्पल, आपने जैसे किसी को मारा है तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, जैसे अगर वो गलत आदमी था उसको आपने मारा तो इज इट जस्टिफाइड, ठीक है ये चीज। तो एग्जामिन कैन एन एक्शन बी अनएथिकल येट मॉरल, समझ में आया। देखो मोरालिटी क्या है, इंडिविजुअल का ओन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच इज सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल मिलियो, मिलियो मतलब कंडीशंस एंड एसोसिएट सोशल कल्चरल रिलीजियस पॉलिटिकल कंडीशनिंग्स। बिसाइड्स एग्जिस्टेंस है ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स का विच फंक्शंस रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ ऑफ कल्चर। ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये टाइप से, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल मतलब ट्रांसेंडिंग स्पेस एंड टाइम, ट्रांसेंडिंग मतलब अबव, ठीक है, उसके परे है ये। ह्यूमंस हिस्टोरिकली रिकग्नाइज करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव मॉरल एब्सोल्यूट्स को, इन्हें ये ट्रांसलेट करते हैं लोकेशन हिस्ट्री वगैरह। डॉक्ट्रिन से डॉक्ट्रिन दैट सेज कि मोरालिटी इज डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस, सीज मोरालिटी इन रिलेटिव टर्म्स एंड इट हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस ऑन हाउ वी कंडक्ट आवर लाइव्स एटसेट्रा। सपोज यू हैव अ मॉरल डिसएग्रीमेंट विद समवन, फॉर एग्जांपल डिसएग्रीमेंट अबाउट वेदर इज इट ओके कि आप सोसाइटी में रहिए वेदर द अमाउंट ऑफ मनी यू आर बॉर्न विथ इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट कि आप कितने वेल्दी एंड अप करेंगे। इन पर्सुइंग दिस डिबेट आप अज्यूम करते हो कि जो यू आर करेक्ट अबाउट द इशू एंड योर कॉन्वर्जेशन पार्टनर इज मिस्टेकन, तो आपका कॉन्जर्वेशन और जो आपका कॉन्वर्जेशन पार्टनर अज्यूम करता है कि दैट यू मेकिंग द ब्लंडर, इन अदर वर्ड्स यू बोथ अज्यूम कि आप में से एक ही जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ओनली वन ऑफ यू कैन बी करेक्ट। हाउएवर बोथ कंफ्लिक्टिंग मॉरल बिलीव्स कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। हाउएवर सम मॉरल एक्शंस आर ऑफन डिपेंडेंट अपॉन सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो किए जाते हैं, जैसे मॉरल एक्शंस जैसे किलिंग आर समटाइम जस्टिफाइड वेन अंडर सर्कमस्टेंसेज, जैसे कि वेन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, या फिर जैसे अगर किसी का रेप हो रहा हो उसमें वो जो रेपिस्ट है उसको मार दे, ठीक है, यूजिंग सम वेपन, तो उस वो भी जस्टिफाइड होगा। सिमिलर इज द केस विद एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वायलेंस विच इज पैरेलल बाय वेरिएशन इन एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स एंड मैरिज, ठीक है। जब व्हेन स्टडिंग कल्चरली इंडिपेंडेंट सोसाइटीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फाउंड हैव फाउंड कि ओवर 80% जो सोसाइटीज हैं वो पॉलीगमी परमिट करती हैं। सम कल्चर्स मैरी ऑफ गर्ल्स व्हाइल दे आर स्टिल प्यूबेसेंट, यानी कि जस्ट प्यूबर्टी उन्होंने अचीव किया है या फिर इवन यंगर। इथोपिया में कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे हाफ द गर्ल्स आर मैरिड बिफोर देयर 15th बर्थडे। सम स्कॉलर्स से कि मॉरल वेरिएशन जो है ग्रेटली एग्जैजरेटेड है, पीपल रियली अग्री अबाउट वैल्यूज बट हैव डिफरेंट फैक्चुअल बिलीव्स और लाइफ सर्कमस्टेंसेस जो उन्हें लीड कर सकता है टू बिहेव डिफरेंटली। देयरफॉर हम लोग जो व्हाट वी रिक्वायर इज टू एड्रेस द मल्टी फेरियसनेस ऑफ मॉरल कंसिडरेशन जो अराइज करते हैं पर्टिकुलर केस में। हमें मॉरल जजमेंट चाहिए, नॉट सिंपली अ डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स और पर्टिकुलर लिस्ट बॉटम लाइन इंट्यूशन। हमारा जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है इट इज इन वेज दैट वी नीड टू स्ट्रक्चर एंड थिंक अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू नेगोशिएट वेल रीजनिंग अबाउट दैम, ठीक है। डब्ल्यू डी रॉस का नोशन है प्राइमरी ऑफ फेसी ड्यूटी, ठीक है, यानी कि इफ देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइम ऑफ फेसी ड्यूटीज द वन दैट इज स्ट्रॉगेस्ट इन द सर्कमस्टेंसेस इसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन रिलेटिविज्म जो है इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। रिलेटिविज्म मतलब कि क्या जो नैतिकता है वो आपके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है, उसको रिलेटिविज्म कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा किलिंग, ठीक है, अगर किसी चाइल्ड की रक्षा करनी है, बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को और मारा जाए तो वो चीज जस्टिफाइड है। मॉरल फिलोसफर्स, थियोलॉजियंस एंड सोशल साइंटिस्ट जो है दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव वैल्यूज ताकि फोरस्टॉल किया जा सके रिलेटिविस्ट मेनेस को। मॉरल्स एथिक्स जो है दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। मॉरल्स बेसिकली क्या होता है, रूल्स, ठीक है, दैट इंडिविजुअल्स आर पर्सनली बाउंड बाय आइदर थ्रू एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, अपब्रिंगिंग, जो भी है। एथिक्स क्या है, दीज आर रूल्स जो हम सब्सक्राइब करते हैं टू दैट वी सब्सक्राइब टू बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप विद विच वी एसोसिएट आवरसेल्व्स। फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन मॉरल्स एंड एथिक्स जो है दे आर इन लाइन विद ईच अदर। जैसे कि झूठ बोलना जो है अनएथिकल है, बट टू डू सो टू सेव अ लाइफ इज सर्टनली मॉरल।
फॉर एग्जाम्पल देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी एथिकल पीपल जिन्होंने नाजीज को झूठ बोला था कि ज्यूज हैं उनकी जीवन बचाया जा सके, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। डायलेमा अराइज कब करता है, जब ग्रुप के मॉरल्स जो हैं दे आर नॉट, या फिर एथिक्स जो हैं दे आर नॉट इन लाइन विद इंडिविजुअल्स मॉरल्स। वेदर यू चूज टू एनालाइज सच एज डायलेमा फ्रॉम अ साइकियाट्रिक फिजियोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल स्टांस, दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। हाउएवर कोई भी एक्ट बिलीफ बिहेवियर थॉट ये मॉरल हो सकता है बट अनएथिकल भी हो सकता है। दैट इज आप पर्सनली यू आर बाउंड बिलीविंग दैट अ पर्टिकुलर एक्ट इज मॉरल, इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी एथिकल। जैसे कि कोई हॉट पॉलिटिकल टॉपिक हो जैसे वॉर, अबॉर्शन, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इफ यू प्रेफर मोर पर्सनल एक्ट्स बिहेवियर सच एज मोनोगमी और सुसाइड, एसेंशियली एनी एक्ट जो है इंडिविजुअल चूज करता है टू परस्यू बट इज फ्रॉन्ट बाउंड बाय द सोशल ग्रुप इज सर्व्स एन एग्जाम्पल। ओनली प्रीरिक्विजिट है कि दैट द इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स द एक्ट इज बिलीव टू बी मॉरल। एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो है जैसे हिटलर नेपोलियन, इन दोनों ने सोचा कि ये जो रिस्पेक्टिव एक्शंस कर रहे हैं मॉरली जस्टिफाइड है, लेकिन वर्ल्ड ने इन्हें मार्जिनलाइज कर दिया एज अनएथिकल लीडर्स, ठीक है। 11वां सवाल क्या है, डिस्कस आदि शंकराचार्य एंड इनकी जो अद्वैत फिलोसफी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे काफी बड़े सोशल फिलोसफर है, नॉट सोशल फिलोसफर, ही इज अ रिलीजियस हिंदू रिवाइवलिस्ट एक तरह से, ठीक है। काफी वाज फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। मेंशन इज सोशल रिफॉर्म्स। अद्वैत मतलब क्या होता है, नॉन डुअलिटी। द्वैत मतलब क्या होता है, डुअलिटी, है ना। द्वैत होता है डुअलिटी और अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी, ठीक है। तो अद्वैत, अकॉर्डिंग टू अद्वैत ट्रेडिशन सुप्रीम लॉर्ड जो है श्री नारायण और सदाशिव हिमसेल्फ रिवील द विजडम ऑफ अद्वैत टू ब्रह्मा द क्रिएटर हु इन टर्न इंपार्टेड इट टू सेज वशिष्ठ, ठीक है। दिस विजडम वॉज हैंडेड डाउन एज वंश परंपरा, दैट इज एज लाइन ऑफ सक्सेशन फ्रॉम फादर टू सन। वशिष्ठ ने अपने बेटे शक्ति को दिया, शक्ति ने अपने बेटे पराशर, पराशर से अपने बेटे वेद व्यास को, वेद व्यास से इनके सन शुका को। शुका ने कमेंस किया था शिष्य परंपरा, दैट इज अ लाइन ऑफ सक्सेशन फ्रॉम प्रिसेप्टर टू डिसाइबल। तो पहले बाप से बेटे के पास आया, उसके बाद प्रिसेप्टर यानी गुरु से शिष्य के पास, शुका से उनके जो क्या बोलते हैं शिष्य थे गौदपाद, ठीक है। उसके बाद गौड़पाद से उनके डिसाइबल गोविंद भागवत पाद, गोविंद भागवत पाद से आपके श्री आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, कलाथी केरला में, ठीक है। ये शिव गुरु और अरयम्बा को, ठीक है, ये काफी यंग एज में ही एसेटिक बन गए। एसेटिक मतलब वैरागी जो होता है। एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा ये अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले, अंडर होम ही स्टडीड फॉर इयर्स, फोर इयर्स, चार साल तक। गोविंद भगवत पाद जो थे इन्होंने शंकरा को पढ़ाया प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ अद्वैत, ठीक है, एंड डायरेक्टेड हिम टू राइट अ फिलोसॉफिकल कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र, जिसे बाद में ब्रह्म सूत्र कहा गया और जिसे डाइवर्स थियोलॉजिकल वेज में इंटरप्रेट किया गया है। शंकर जो है वहां से बनारस गए वाराणसी, ठीक है, इन्होंने कमेंट्री लिखी ब्रह्मसूत्र पे, उपनिषद पे, भगवद्गीता पे। उसके बाद उन्होंने थ्रू आउट इंडिया ट्रैवल किया 3 times फ्रॉम नेपाल टू रामेश्वरम प्रीचिंग द यूनिवर्सल फिलोसफी ऑफ अद्वैत इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड कैपिटल्स ऑफ किंग्स। इन्होंने काफी ओपोनेंट्स को डिफीट किया अपने डिबेट्स में, जिसमें से मीमांसा स्कॉलर मदना मिश्रा थे आपके महिष्मति के, ठीक है, मंदना मिश्रा, ठीक है, एंड हिज वाइफ भारती एंड द शक्त शक्त कमेंटेटर अभिनव गुप्ता, ये फेमस है, ठीक है। इन लोगों को डिफीट किया इन्होंने, ठीक है। शंकरा के वर्क्स देखा जाए तो शंकरा ने कमेंट्रीज देखी है 11 प्रिंसिपल उपनिषद में, जिसमें चंडयोग है आपका, ब्रिदन रक्या है आपका, तैतरीय है, ऐत्रेय, श्वेतवत्रा, केन, कथा, ईसा, प्रश्न, मंडुक्य, मुंडका, ठीक है। और कमेंट्रीज इन्होंने भगवद्गीता पे भी लिखी है, ब्रह्मसूत्र पे भी, और इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार इसके थ्रू गो थ्रू कर लीजिएगा। रिलीजियस हिम्स इनके जैसे वर्क्स में दक्षिणमूर्ति स्रोत, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म क्या है, शंकर जी का जो एम था आदि शंकराचार्य का, इनका ये था कि रिवाइव करना वैदिक धर्म को, ठीक है। तो शंकर जी जो थे आदि शंकराचार्य, इनका एम क्या था कि वैदिक धर्म को वापस रिवाइव किया जाए बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ अद्वैत नॉन डुअलिटी। ही सॉट टू एड कि मॉरली रिप्रेंसिबल जो मोड्स ऑफ वर्शिप है, ठीक है, जो कि कपलिका सक्त और फॉलोअर ऑफ गणपति जो है उनको अबॉलिश किया जाए। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द थीस्ट यानी कि जो विश्वास करते हैं, थीस्ट मतलब क्या होता है, थीस्ट इज आस्तिक, आस्तिक होता है थीस्ट। शंकरा ने इंस्टीट्यूट किया पंचयतन पूजा या फिर वर्शिप ऑफ 5 aspects ऑफ द डेटी शिव विष्णु देवी आदित्य गणेश, ठीक है। इन्होंने साथ ही आपका हिम्स कंपोज किया उनके ऊपर एंड आइदर फाउंडेड और रिनोवेटेड टेम्पल्स जो उनको डेडिकेटेड थे। इन्होंने वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स को यूनाइट किया बाय पॉपुलराइजिंग कलेक्टिव वर्शिप ऑफ शिव विष्णु सूर्य गणेश कुमार एंड शक्ति फॉर विच केम टू बी नोन एज शनमता स्थापनाचार्य, ठीक है। शंकर ने एस्टैब्लिश किया 4 monasteries द्वारका में, ये कलिक पीठ है आपका विथ पद्मपाद, ठीक है, पद्मपाद इंचार्ज ईस्ट में, बद्री, ठीक है, नॉर्थ में आपका, पुरी आपका ईस्ट में एंड श्रृंगेरी आपका साउथ में। ही सेड टू हैव ब्रॉट 5 lingas फ्रॉम कैलाश एंड कंसेक्रेट किया था इनको केदार
नीलकंठ क्षेत्र नेपाल में और चिदंबरम सिंगेरी और कांची में। शंकरा ने ऑर्गेनाइज किया न्यूमरस वॉन्डरिंग मॉन्क्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री इनटू 10 डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सन्यासीज अंडर द नेम ऑफ दासनामी। दस नामी जो हैं आपके, दे एट द एंड ऑफ देयर नेम्स, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस नेमली सरस्वती, भारती, पुरी, गिरी, तीर्थ, वन, ठीक है, सागर, अरण्य, पर्वत, आश्रम, ठीक है, आश्रम। अद्वैत प्रैक्टिस में देखा जाए तो शंकर वांटेड हिज फॉलोअर्स टू नॉट जस्ट थियराइज हिज अद्वैत फिलॉसफी बट ऑल्सो उसको प्रैक्टिस में डालें। दिस मैसेज वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एपिसोड इन विच ही हिमसेल्फ वॉज इन्वॉल्व। वंस व्हेन शंकर वॉज ऑन हिज वे टू हैव बाथ इन रिवर गंगा एट काशी यानी कि वाराणसी, तो हिज पीपल्स आस्क्ड चंडाल, ठीक है, कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू मेक वे फॉर द गुरु। चंडाल ने शंकर से कहा, ठीक है, ही आस्क्ड हिम, शंकर से पूछा कि नाउ ही माइट कंसिस्टेंटली टीच अद्वैतिज्म एंड प्रैक्टिस सच डिफरेंशिएटिंग, मतलब अच्छा हाउ, कि कैसे वो अद्वैतिज्म पढ़ा रहे हैं और इतना डिफरेंशिएटिंग ऑब्जर्वेंसेस कर सकते हैं। दिस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन स्ट्रक शंकरा हु कंपोज्ड मनीषा पंचका, ठीक है, मनीष पंचका कंटेनिंग फाइव फिलोसफिकल वर्सेज एक्सप्रेसिंग द अद्वैत सेंटिमेंट्स एंड वेयर ही एक्नोलेजेस दैट द चंडाल, इन्होंने चंडाल को अपना गुरु बना लिया। द मैसेज ऑफ शंकरा वॉज दैट फॉर अ फॉलोअर अद्वैत इट इज अब्सर्डिटी टू प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमंस यू ऑल एज वन एंड द सेम, ठीक है, अद्वैत मतलब कि आत्मा और परमात्मा जो है एक ही है, ठीक है, यानी कि आत्मा जो है, जो आत्मा आपके अंदर विलास कर रहा है वो आपकी परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। शंकरा का अद्वैत फिलॉसफी है क्या, रियलिटी ऑफ ब्रह्मा ब्राह्मण, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शंकरा नथिंग रियली एग्जिस्ट बट द सुप्रीम स्पिरिट जिसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण क्या है, प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस सत चित आनंद, ही इज एब्सोल्यूट इम्पर्सनल चेंजलेस, ही मतलब यहाँ पे ही जो है आपके वो परमात्मा की बात हो रही है, ब्राह्मण जो है आपके परमात्मा है, ठीक है, ब्राह्मण नहीं है जो आपका कास्ट वाला होता है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, जो आपके परमात्मा होता है, तो ब्राह्मण आपके प्योर एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, ब्लिस है, ठीक है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, इम्पर्सनल चेंजलेस कभी भी चेंज नहीं होते, इटर्नल है, ना आदि ना अंत, ऑल ऑल प्रोवाइडिंग हर जगह आपके विलास करते हैं। व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड नेचर यानी कि प्रकृति जो है ये एक माया है एंड अ ड्रीम कॉज्ड बाय इग्नोरेंस अविद्या विच सराउंड्स द सुप्रीम स्पिरिट एंड हाइड्स इट, ठीक है, यानी कि जो परमात्मा है, जो एक्चुअल नॉलेज है, परमात्मा जो है ये असली ट्रूथ है, इसका ज्ञान ही आपका सर्व ज्ञान है, और इसके जो सराउंड माया है आपकी इल्यूजन, ठीक है, इसके जाल में आदमी फंस के कभी भी परमात्मा से अलग हो जाता है, ठीक है, इन दोनों में जो है यूनियन जो है रियलाइज करना, वही चीज अद्वैत होता है, ठीक है। एंड दिस हैज बीन समड अप इन द वर्ड्स ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ठीक है, तो वही है, ब्रह्म जो है असली सत्य है और जगन जो है मिथ्या है, जिसका इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंट होता है वो माया में फंस जाते हैं, जो एनलाइटेंड होता है वो ब्रह्म की ब्रह्म को पा लेते हैं। Phenomena appear real for same reason that the things can be seen in a dream are real so long as a dream lasts. ठीक है, सपने में जो आप देखते हैं, aim of life क्या है, therefore cast the gross sheets that surround the spirit within us and realize its identity with the supreme spirit. यानी कि माया ही आपका ईश्वर भी है। Orders of reality, इन्होंने चार kind of reality बताई हैं, ठीक है, पहले क्या है, परमार्थ की सत्य, ठीक है, अल्टीमेट मेटाफिजिकल रियालिटी ब्रह्मांड की, उसके बाद क्या है, व्यवहार का सत्य, ठीक है ना, ये क्या है, प्रैग्मेटिक एम्पिरिकल रियलिटी जो एक्सपीरियंस करती है ह्यूमैनिटी आपकी एज अ होल फॉर ऑल टाइम। इसके बाद है प्रतिभा सिकता, ये क्या है, अपेरेंट रियलिटी विच बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इल्यूजन हैलुसिनेशन ड्रीम्स। इसके बाद है तुच्छ सत्य, दिस इज इनएक्सपीरियंसिबल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट सम ऑफ विच मे बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और इम्पॉसिबल, जैसे कि वन मे स्पीक ऑफ द सन ऑफ अ बैरन वुमन, ठीक है, सन ऑफ अ बैरन वुमन, अ बैरन वुमन, बैरन वुमन मतलब जो इनफर्टाइल है, इसके कोई बच्चे नहीं हो सकते, बेटे नहीं हो सकते, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सन ऑफ अ बैरन वुमन इज इम्पॉसिबल एंड सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। सोल और आत्मन, आत्मन क्या है, दिस इज द इंडिविजुअल ह्यूमन सोल जो आपकी उपाधि इसमें क्लोज है या फिर क्लोज है या फिर लिमिटिंग एट चंक्स एंड इज कॉल्ड जीव, ठीक है, जीव जो होता है, जीव या इंडिविजुअल सोल जो है इट इज एसेंशियली द सेम ब्रह्मा एंड देयरफॉर सेल्फ ह्यूमनेस अनलिमिटेड फ्री, इट्स लिमिटेडनेस एंड जो कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट्स हैं दीज आर ड्यू टू सर्टन कंडीशन उपाधि विच आर विच अगेन अपियर थ्रू निसायंस यानी कि अविद्या एंड एज सच आर अनरियल। अद्वैत का क्या है, यूनिवर्सल फिलोसफी, शंकर के जो सिस्टम है वेदांत का वो अपने फीट पर खड़ा हो सकता है एज प्योर मेटाफिजिक्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी थियोलॉजी अनलाइक अदर थियस्टिक वेदांत सिस्टम जैसे कि विशिष्ट द्वैत श्री रामानुज का, द्वैत जो है श्री माधवाचार्य का, हेंस दोज प्रेफर फिलोसफी टू थियोलॉजी विल हैव अ नेचुरल लीनिंग टुवर्ड्स शंकर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम शंकर का सिस्टम है ये थियोलॉजी प्रोवाइड करता है एज अ प्रोविजनल स्टैंड पॉइंट जस्ट अ बेस कैंप फॉर दोज हु आर अटेम्प्टिंग द टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ऑफ अद्वैत, ठीक है, एंड द ब्यूटी इज दैट नॉट वन पर्टिकुलर थियोलॉजी कैन बट एनी नंबर ऑफ देम इंक्लूडिंग फॉरन रिलीजन जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म जो हो गया, इट कैन बी फिटेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ शंकरस मेटाफिजिक्स प्रोविजनली, ठीक है, दिस वंडरफुली अकोमोडेटिंग पावर ऑफ हिज डॉक्ट्रिन इज परहैप्स द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ हिज फिलॉसफी टू मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स, ठीक है।
12वां सवाल क्या है, एग्जामिन द एथिकल चैलेंजेस अराउंड जीन एडिटिंग, एनालाइज दिस मॉरली। ये हमने एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है, तो देखिए जेनेटिक एडिटिंग आप जानते हैं, जीन एडिटिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ठीक है सिजर्स। ये आपका क्रिस्पर कास 9 आपने हमने पढ़ा है किसमें, आपके GS3 में ठीक है, साइंस में। एथिकल चैलेंजेस क्या है, डिजाइनर बेबीज का, डिजाइनर बेबीज मतलब आप जिस टाइप का बच्चा चाहते हैं उस टाइप का इंसर्ट करके उसको डिजाइन कर सकते हैं ठीक है, यानी कि हाइट बढ़ानी है, इंटेलिजेंस बढ़ाना है, काला चाहिए गोरा चाहिए, जिस टाइप का। जस्टिस इक्विटी, देखिए कंसर्न है कि जेनोम एडिटिंग क्या होगा, सिर्फ जो अमीर हैं वही लोग एक्सेस कर पाएंगे, तो वो एग्जिस्टिंग जो डिस्पैरिटीज हैं इन एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड अदर इंटरवेंशंस, उसके वजह से क्या है, एंड टेकन टू एक्सट्रीम जर्म लाइन एडिटिंग अगर होगी, जैसे क्या है एक क्लास ऑफ इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा डिफाइंड बाई क्वालिटी ऑफ देयर इंजीनियर जेनोम ठीक है। तो ये जस्टिस इक्विटी, यानी कि जो गरीब वगैरह हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्रिटिक्स कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर जर्म लाइन थेरेपी बिकॉज जो पेशेंट्स हैं अफेक्टेड बाई एडिट्स आर दी एम्ब्रियो एंड फ्यूचर जनरेशन, टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमंस, इसके वजह से इंटर जनरेशनल एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है ठीक है। जीनोम एडिटिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग एम्ब्रियोज, अब ये भी आपका बड़ा है, एम्ब्रियो क्या होता है, जो बच्चा जो होता है आपके माँ के घर में स्टार्टिंग स्टेजेस में ठीक है, जो फुली आपका बच्चा फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन फर्टिलाइज एग जो होता है आपका, जो माँ का अंडा होता है, फर्टिलाइज एग ओवम ठीक है। तो मेनी पीपल हैव मॉरल एंड रिलीजियस ऑब्जेक्शन टू द यूज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज फॉर रिसर्च, इंडिया कनाडा जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं जर्म लाइन एडिटिंग रिसर्च ऑन एम्ब्रियोज, US ने बैन कर दिया फेडरल एड फ्रॉम बींग यूज टू सपोर्ट जर्म लाइन जीन एडिटिंग ठीक है। रेगुलेशन फॉर कंज्यूमर्स, रेगुलेशन ऑफ पेटेंट्स ठीक है, इट्स चैलेंजिंग एज मेनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व्ड एंड मे लीड टू लिटिगेशंस। तो केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पेटेंटिंग ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस फॉर थेरेप्यूटिक यूज, दिस पुट्स टू मच एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट्स व्हिच रेजेस एथिकल इश्यूज। मॉरल एनालिसिस किया जाए तो रिस्क बेनिफिट आर्ग्यूमेंट जो देखा जाए, तो देयर इज कॉमन अग्रीमेंट कि अगर जीन एडिटिंग टेक्निक्स जो है इनहेरेंटली डेंजरस है, तो इट शुड नॉट बी यूज ऑन ह्यूमंस एज ऑफ नाउ। साइंटिस्ट सोचते हैं कि इनफ रिसर्च के बाद आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशंस विल इंप्रूव एंड उसके साथ ही सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ठीक है, देन इट वुड कॉज गुड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड वुड बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, मॉरली ऑब्लिगेटेड है कि हम लोग दूसरों के लिए अच्छा करें और रिफ्रेन करें फ्रॉम डूइंग देम हार्म। अगर हमारे ऑब्लिगेशन है कि हम लोगों की मदद करें यूजिंग कन्वेंशनल मेडिकल केयर, तो डोंट वी ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टू यूज देम टू हेल्प देम यूजिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी मींस यानी कि जेनेटिक इंटरवेंशन। ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल यानी कि प्रोपोनेंट्स ऑफ बोथ जीन थेरेपी एंड एनहांसमेंट ऑल्सो अपील टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, द आइडिया की पर्सन हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ठीक है, एंड सिंस वी हैव रिप्रोडक्टिव फ्रीडम ठीक है, वी ऑल्सो हैव द राइट टू टेक प्रीएम्प्टिव मेजर्स ताकि हम उनको बचा सके फ्रॉम एनी डिजीज और डिसेबिलिटी। लेकिन जो माँ के घर में अगर आप अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि वो डिफेक्टिव होगा, तो हम लोग जीन जो है जेनेटिक मेकअप चेंज करके उसको प्रॉपर कर सकते हैं ठीक है, मतलब क्योर कर सकते हैं। फॉरवर्ड देखा जाए तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है इसको कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करना चाहिए, वेलबींग प्रमोट करना है हमें, ट्रांसपेरेंसी लानी है ठीक है। एक बार काइंडली गो थ्रू दिस इन डिटेल, ड्यू केयर, क्लिनिकल रिसर्च जिसमें ह्यूमन पेशेंट इन्वॉल्व है ये कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए कंजर्वेटिवली, यानी कि जब ह्यूमन जेनेटिक एडिटिंग कर रहे हो तो कॉशियसली ड्यू केयर लेना चाहिए। साइंस रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, पर्सन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए ठीक है। तो बेनिफिट्स एंड बर्डन जो रिसर्च का है ये ब्रॉडली एंड इक्विटी एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि गरीब और अमीर दोनों को। ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन यानी कि अक्रॉस नेशंस कोऑपरेशन होना चाहिए। बायोएथिसिस्ट्स एंड रिसर्चर्स बिलीव कि ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जो है रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए इट शुड नॉट बी अटेम्प्टेड एट दिस टाइम, जब तक और ज्यादा सेफ्टी और इफेक्टिवनेस रिसर्च जो है नहीं कर लिया जाता। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कंटिन्यूइंग पब्लिक डिलिब्रेशन टू डिसाइड वेदर और नॉट जर्म लाइन एडिटिंग, जर्म लाइन मतलब बेसिकली आपका जो जीन एडिटिंग है जीनोम एडिटिंग वो परमिसेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ठीक है। 13वां सवाल क्या है, सिटीजन चार्टर, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, एक बार फास्ट डिस्कस करेंगे इसको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है। वी आर गोइंग फास्ट बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस एंटायर जो आपके लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है ठीक है इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। सिटीजन चार्टर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिटीजन फ्रेंडली ठीक है। सिटीजन चार्टर बेसिकली लिस्ट होता है जो आपकी कमिटमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज जो वो डिलीवर करेगी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स ठीक है। और सिटीजन चार्टर क्या है, एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन को प्रोवाइड करता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होंगे ठीक है, यूजर फीस कितना होगा एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है बाय मेकिंग पब्लिक अकाउंट कमिटमेंट, पब्लिक अकाउंट मतलब जो आपकी मतलब ओपन सारे सिटीजन को कमिटमेंट देंगे कि हम लोग इतना सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड हमारा ये रहेगा। क्रिएट्स अ वे फॉर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल एक्टर्स के ऑब्जेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं सर्विस डिलीवरी, इंटरनल एक्टर्स मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक्सटर्नल मतलब जो आपके सिटीजन हैं या बाहर के एक्टर्स हैं ठीक है। एंड मोर प्रोफेशनल क्लाइंट रिस्पॉन्सिव एनवायरमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा स्टाफ के मोराल में, डिक्रीजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन एंड ग्राफ्ट ठीक है ब्राइबरी वगैरह,
गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाएगा बाय इंश्योरिंग कि जो मनी जो सिटीजन्स पे करते हैं सर्विसेज में वो गवर्नमेंट के कॉफर्स में जाएगा, एम्प्लॉय के पॉकेट्स में। ठीक है, चार्टर्स को इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम फेस होती है? देखो, चार्टर इनिशिएटिव जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1997 में, चार्टर्स फॉर्मुलेट किए गए थे इन नेशनल स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या फेस करती हैं आपकी सिटीजन चार्टर्स? जनरल परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशंस का विच फॉर्मुलेटेड कि वाज दैट कि जो एक्सरसाइज है इट वाज टू बी कैरिड आउट बिकॉज देयर वाज अ डायरेक्शन फ्रॉम टॉप। ठीक है, कंसल्टेशन प्रोसेस मिनिमल था, लार्जली एब्सेंट था। कंसल्टेशन मतलब जो आपके सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें, सिटीजन, स्टाफ एक्सेट्रा, तो इसलिए एक रूटीन एक्टिविटी हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें कोई फोकस नहीं था। ठीक है, कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए और चार्टर को सक्सीड करने के लिए एम्प्लॉयज जो है रिस्पॉन्सिबल जो इसकी इंप्लीमेंटेशन की उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट जो है इसको इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय वर्क फोर्स। ठीक है, जिसको पता ही नहीं है द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द चार्टर। समटाइम्स ट्रांसफर रीशफल जो होती है कंसर्न ऑफिसर्स के क्रूशियल स्टेजेस ऑफ फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन, ये भी इसको डिस्टर्ब कर देता है। अवेयरनेस कैंपेन्स ताकि एजुकेट किया जाए क्लाइंट्स को अबाउट द चार्टर्स, ये भी कंडक्ट नहीं हुआ था सिस्टमैटिकली। इन सम केसेस स्टैंडर्ड टाइम जो है जो आइदर 2 लाख या फिर 2 टाइट था एंड वर देयरफॉर अनरियलिस्टिक एंड इसकी वजह से अनफेवरेबल इंप्रेशन हो गया ऑन द क्लाइंट्स। ठीक है, ऑफ द चार्टर कॉन्सेप्ट सिटीजन चार्टर के पीछे ये जो है समझ में समझा नहीं गया इसको अच्छे से। इन्फॉर्मेशन पोस्टर्स और पब्लिसिटी मटेरियल्स पैम्पलेट जो है जो अर्लियर प्रोड्यूस किए थे बाय ऑर्गेनाइजेशन, इसको मिस्टेक कर लिया फॉर सिटीजन चार्टर्स। चार्टर इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? इंटरनल रिस्ट्रक्चर होना चाहिए विच शुड प्रीसीड द चार्टर फॉर्मुलेशन। ठीक है, यानी कि मीनिंगफुल चार्टर जो है इट विल सीक टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, मियर स्टिपुलेशन टू दैट इफेक्ट इन द चार्टर विल नॉट सफाइस। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, द ह्यूज चैलेंज है, इट विल बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स। अगर कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स की, इट नीड्स टू इंप्लीमेंट सिटीजन चार्टर वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एंड इट विल डिपेंड अपॉन डिफरिंग लोकल कंडीशंस। ठीक है, एंड हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन चार्टर्स अक्रॉस द स्टेट्स, ही क्लियर एविडेंस है इस चीज का। ठीक है, इन्वॉल्व कस्टमर्स इन द क्रिएशन ऑफ गारंटी स्टैंडर्ड्स रीडर्स पॉलिसीज कंप्लेंट सिस्टम्स कस्टमर सर्विस अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, कस्टमर सर्वेस होने चाहिए यहाँ पे यूजफुल होंगे ताकि आपका कस्टमर्स को भी मतलब इसलिए आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कीजिए इन द क्रिएशन ऑफ गारंटी स्टैंडर्ड, मतलब एक तरह से सारे स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके बाद कस्टमर्स को आप एजुकेट कीजिए अबाउट द सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, यानी कि अवेयरनेस जो है आपको स्प्रेड करने की जरूरत है ताकि उनको भी रियलिस्टिक नोशन होगा कि व्हाट इज पॉसिबल, अंडरस्टैंड करेंगे अपनी खुद की जिम्मेदारियां। ठीक है, इसके बाद जो फर्म कमिटमेंट्स होने चाहिए, यानी कि सिटीजन चार्टर जो है प्रेसाइज होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए, फर्म कमिटमेंट देना चाहिए सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स का ताकि एक तरह से सीरियसली लिया जाए उनको। ठीक है, रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए अगर डिफॉल्ट होता है, यानी कि अगर नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाता है विद इन टाइम, तो क्या है रिड्रेसल मैकेनिज्म, कोई कंप्लेन है तो उसको रिड्रेस कर सके। पीरियडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए सिटीजन चार्टर का। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टेंटली अपडेट होना चाहिए, इट शुड बी डायनेमिक अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स चेंजिंग। एंड बेंचमार्क होना चाहिए यूजिंग एंड यूजर फीडबैक, तो फीडबैक आपको कंटिन्यूसली लेना चाहिए और जहाँ पे आपको कंप्लेंट्स मिलती हैं उसके हिसाब से आपको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, बेंचमार्क मतलब आपका जो स्टैंडर्ड होता है उसको रेज करो उसके हिसाब से। होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट, अगर कोई ऑफिसर जो है अपना काम ड्यूटी ढंग से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है अपना सर्विसेज, तो उसको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, आंसरेबल। सिविल सोसाइटी को आपको इंक्लूड करना चाहिए इन द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ चार्टर्स, उनका डिसमिनेशन आल्सो फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स। 14वां सवाल क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग, जेनरोसिटी क्या होती है, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड हेडनिज्म। हेडनिज्म क्या होता है, परस्यूट ऑफ प्लेजर। जेनरोसिटी क्या होता है, एक्सप्रेस एज लिबरालिटी इन गिविंग और विलिंगनेस टू गिव, इसको काइंडनेस के समान माना गया है। ठीक है, समान ही है ये, इट इज फ्रीली शेयरिंग व्हाट यू हैव विद अदर्स। ठीक है, गिविंग इट इज बीइंग विलिंग टू ऑफर मनी हेल्प और टाइम व्हेनेवर इट इज नीडेड। जनरस का मतलब होता है गिविंग समथिंग जो आपके लिए वैल्यूबल है विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और गिफ्ट। ठीक है, काफी ट्रेडिशंस जो है जनरोसिटी को मेजर करता है नॉट बाय द साइज ऑफ गिफ्ट बट व्हाई बट बाय व्हाट इट कॉस्ट द गिवर। ठीक है, समटाइम्स जनरोसिटी जो है इसमें यू हैव टू पुश पास अ फीलिंग ऑफ रिलक्टेंस बिकॉज वी ऑल इंस्टिंक्टिवली वांट टू कीप गुड थिंग्स फॉर आवरसेल्फ्स। समझ में आ रहा है, यानी कि जो आपको चीज प्यारी है उसको आप किसी और को देते हैं ताकि उसकी मदद हो सके। व्हेन वी गिव वी रीप द प्लेजर ऑफ नोइंग कि वी हैव मेड समवन एल्सस लाइफ अ लिटिल हैप्पियर। जेनरोसिटी से बैलेंस आता है इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर बाउंड टू अचीव अनइमेजिनेबल सक्सेस इन देयर लाइव्स। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड वांटिंग टू एक्सप्रेस थैंक्स। ठीक है, यानी कि किसी ने आपकी मदद की है तो आपको एक ग्रेटिट्यूड फील होगा कि उसने मेरी मदद की है तो यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, इट इज क्लोज कंपेनियन ऑफ बोथ इंटीग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी। ग्रेटिट्यूड विदाउट इंटीग्रिटी इज इंसिंसियर फ्लैटरी। ठीक है, ग्रेटिट्यूड विदाउट इंटीग्रिटी, ठीक है, ग्रेटिट्यूड जो है इट फॉलोज इंटीग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी एंड इसको काफी वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैन कम इवन एज स्मॉल एज अ कॉन्क्रीट टोकन ऑफ थैंक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने, ठीक है, तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा। हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ, ये सब डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बिकॉज ऐसा क्वेश्चन सीधा आता है तो ऑफन ऑफन आपसे हैप्पीनेस पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, यू नॉट बी एबल टू फाइंड द वर्ड्स। ठीक है, तो हैप्पीनेस क्या होता है, स्टेट ऑफ वेलबिंग एंड कंटेंटमेंट ऑफ हैविंग अ प्लेजरेबल और सेटिसफाइंग एक्सपीरियंस।
उस सीरीज में जैसी यूटिलिटेरियनिज्म है बेंथम अमिल का, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इट इज इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेजर ऑन द ग्राउंड्स दैट प्लेजर इज व्हाट वी डिजायर फॉर इट्स ओन सेक एंड इट्स ओन सेक ओनली। ठीक है, दूसरे थियरीज में जैसे यूडेमोनिज्म है एरिस्टोटल का, इसको इंटरप्रेट किया गया है इन टर्म्स ऑफ वर्चुअस एक्टिविटी। एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया है कि एक्सलेंट एक्टिविटीज हैं दैट आर प्लीजिंग बिकॉज दे आर गुड रादर दैन द अदर वे अराउंड। ठीक है, एंड दैट अ लाइफ शेप्ड बाय दोज एक्टिविटीज इज अ हैप्पी लाइफ, हैप्पीनेस बीइंग द फाइनल एंड विच वी एम। हेडोनिज्म क्या है, इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट दैट आर्ग्यूज कि प्लेजर इज द ओनली इंट्रेंसिक गुड। ठीक है, इन वेरी सिंपल टर्म्स हेडोनिस्ट जो है ही स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज नेट प्लेजर, प्लेजर माइनस पेन। एथिकल हेडोनिज्म है, इट इज द आइडिया कि ऑल पीपल हैव द राइट टू डू एवरीथिंग इन द पावर टू अचीव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लेजर विच इज पॉसिबल। प्लेजर मतलब समझ गए आप, जो सुख होता है, ठीक है ना, ठीक है, भोग। इट इज ऑल्सो द आइडिया कि एवरी पर्सन प्लेजर शुड फार सरपास द अमाउंट ऑफ पेन। ठीक है, बेंथम बिलीव्स कि वर्ल्ड जो है इट सीम्स इन रियलिटी टू मोस्टली कंपोज ऑफ पीपल हु आर मोर क्लोजली अलाइंड विद द साइकोलॉजिकल इगोइस्टिक हेडोनिज्म विच बिलीव्स कि दैट विच इज राइट इज दैट विच ब्रिंग्स द मोस्ट हैप्पीनेस टू सेल्फ। क्लियरली समथिंग इज अमिस इन दिस सिचुएशन इफ बेंथम इज करेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द टू स्टेटमेंट्स। बेंथम ऑल्सो बिलीव्स देयर इज हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज टू से पीपल के इंटरेस्ट जो है हमेशा दे डू नॉट ऑलवेज डाइवर्ज। ठीक है, पंद्रहवां सवाल है कि आप और आपके फ्रेंड जो है दे आर लिविंग टुगेदर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइल यू मैनेज टू मीट योर डेली टारगेट्स, ठीक है, यू सेंस कि योर फ्रेंड इज अनेबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ द एग्जाम, फियर ऑफ नॉट पासिंग द एग्जाम एंड मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज फैमिली स्ट्रेसिंग हिम फर्दर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। आप रियलाइज करते हैं कि आप विद टाइम कि योर फ्रेंड इज लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एंड ऑफन टॉक्स अबाउट कमिटिंग सुसाइड, यानी कि सुसाइड की बात करने लगा, आत्महत्या की, बिकॉज वो अपने गोल्स जो है मीट नहीं कर पा रहा। ऑल्सो वो अपने खाना वगैरह जो उसने छोड़ दिया है, इंडोर्स रहता है, और जब उसको बाहर जाने के कहते हैं तो ही व्हेन यू सॉट प्रोफेशनल हेल्प, डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन। बीइंग अवेयर दैट योर फ्रेंड नीड्स प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड साइकियाट्रिक केयर, यू रीच आउट टू हिज पेरेंट्स जो कि रूरल एरिया में रिसाइड करते हैं, दे रीव ऑफ यू फॉर सजेस्टिंग काउंसलिंग एंड इंस्टेंट रीआइटरेट कि नथिंग इज रॉन्ग विद हिम। दे स्टर्नली मेंशन कि योर ब्रिंगिंग अप द मैटर विल ओनली मेक पीपल एंगेज इन लूज टॉक, दे ऑल्सो इग्नोर यू व्हेन यू पोलाइटली इन्फॉर्म देम दैट इट इज नॉट वाइज टू इग्नोर वंस मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो आपके जो दोस्त हैं उसके जो पेरेंट्स हैं, दे सी हिज स्टेट एज अ साइन ऑफ फेलियर एंड डिसाइड टू कॉल हिम होम वेर ही कैन कंटिन्यू व्हाइल हिज विद हिज प्रिपरेशन। यू आर अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इफ योर फ्रेंड गोज बैक टू द हाउस। ठीक है ना, यू ऑल्सो नो दैट देर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सोल्यूशन जो है इट इज नॉट टू इग्नोर इट बट टू टेक नेसेसरी मेजर्स ताकि उसको टैकल कर सकें। फ्रेंड एस्पायरिंग सिविल एस्पिरेंट आप हु कैन फ्रेम पॉलिसीज फॉर द पब्लिक इन फ्यूचर एंड हैज अ मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स हिम, what are the options available to you in such a situation, evaluate each of these options and choose the option jo aap adopt karenge giving reasons. theek hai, to option available kya hai, sabse pehli baat aap apne friend ka jo family hai usko convince kijiye to keep my friend in the city and take responsibility for his treatment. theek hai, yani ki aap uski responsibility lenge, not pursuing the matter any further once his parents don't listen to my advice. theek hai, yani ki aapki advice nahi mante to aap us matter ko chhod dijiye wahin pe, let him go back to the village as his parents desire but helping him in other possible ways. एक हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या, पेरेंट्स की जो फ्रेंड्स की फैमिली है, जो फ्रेंड की फैमिली है उसको कन्विंस करना कि वो शहर में रहे, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो आपका फ्रेंड है ही सफरिंग फ्रॉम सुसाइडल टेंडेंसीज, हिज लाइफ इज एज ग्रेट एट अ ग्रेट रिस्क एंड एज अ फ्रेंड एंड वेलविशर आपको इंश्योर करना चाहिए कि ही गेट्स प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, द फैक्ट दैट हिज फैमिली इज नॉट अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ड्यू टू रूरल बैकग्राउंड नेसेसिटेट्स माय इंटरवेंशन इवन फर्दर, हाउएवर दिस विल कम एट द कॉस्ट ऑफ माय प्रीशियस टाइम व्हिच आई नीड टू डिवोट टू माय स्टडीज। ठीक है, इसके वजह से क्या है, आपके जो फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स हैं हु आर अगेंस्ट एनी मेडिकल इंटरवेंशन ड्यू टू सोशल फियर्स, मेडिकल कॉस्ट भी आपके लिए काफी बड़ा इशू हो सकता है विच में अराइज, नॉट पर्सुइंग द मैटर एनी फर्दर। ठीक है, जब उसके पेरेंट्स ने बोल दिया एज माय फ्रेंड्स पेरेंट्स डू नॉट कंसीडर माय एडवाइस यूजफुल आई मे फोकस ऑन माय स्टडीज लीविंग द मैटर सोली इन देयर हैंड्स, ये एस्केपिस्ट रूट होगा मे लीड टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर माय फ्रेंड हिज फैमिली एंड इवन फॉर मी एज एनी हार्म टू माय फ्रेंड विल ऑल्सो इंपैक्ट माय मेंटल स्टेट एंड माय प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। And let him go back to the village as his parents desire, but helping him other possible ways. This may help him as he will be close to his family, which may provide the much needed psychological support. क्योंकि health जो है utmost priority है यहाँ पे, तो bit of sacrifice जो है of regular studies is not such a big issue. ठीक है, लेकिन professional advice or intervention जो है it is still sought, which may not be readily available in rural area में. Possible course of action क्या है, first I will try to educate my friends parents about depression, its implications, and will apprise them of professional advice which was given in this case. डॉक्टर को पूछना, डॉक्टर को कन्विंस करना माय फ्रेंड्स आस्किंग द डॉक्टर टू कन्विंस माय फ्रेंड्स पेरेंट्स अबाउट द ट्रीटमेंट मे आल्सो बी यूजफुल। रिगार्डिंग वेदर माय फ्रेंड शुड स्टे हियर और गो बैक टू द विलेज, शुड ही डिसाइडेड फॉर स्टडीज शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस एडवाइजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ साइकियाट्रिस्ट इन द विलेज एटसेट्रा।
ठीक है, टेकिंग अ ब्रेक मे ऑल्सो हेल्प स्पेशली इन रिवाइविंग हिज इंटरेस्ट व्हाइल ही इज लूजिंग व्हिच ही इज लूजिंग फास्ट. आप इसको हेल्प कर सकते हो मीटिंग हिज डेली टारगेट्स व्हिच आर बॉदरिंग हिम एंड कॉज फॉर स्ट्रेस फॉर हिम. ठीक है, एडिशनली आपको सजेस्ट करना चाहिए कि वो ब्रेक्स देता रहे. सजेस्ट टू हिम टू ब्रेक द टारगेट्स इनटू स्मॉलर टास्क. लास्टली आप अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हो अबाउट द हार्ड वर्क आपका जो दोस्त कर रहा है इनटू द एग्जाम व्हिच शुड बी प्रेज्ड. एज कंपेयर्ड एग्जाम्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड मेंटली टैक्सिंग. एस्पिरेंट जो है ही मे एट टाइम्स फेस एंग्जाइटी और डिप्रेशन जिसके वजह जिस विच शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर हेल्थ एनोमली. एज अ फ्रेंड पार्टनर रिलेटिव ऑफ अ पर्सन जो डिप्रेशन सफर कर रहा है वी शुड इंश्योर वी डू आर बेस्ट नॉर्मलाइज द सिचुएशन फॉर द पर्सन डायग्नोज विद इट एंड सपोर्ट हिम और हर इन एवरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट. सोलहवां सवाल क्या है आपका, ये भी केस स्टडी है. आप सीईओ हो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के जो अच्छा नहीं कर रही है फाइनेंशियली फॉर सम टाइम. अभी कंपनी रिलाई करती है फॉर फोर्थ कमिंग मूवी जो कि अभी शॉर्टली रिलीज होनी. मूवी में रिलायबल एक्टर्स हैं एंड इवन बिफोर रिलीज जो ट्रेड पंडित्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट किया है कि जो मूवी है हिट होगी. लेकिन हाउएवर यू फेस अ कनंड्रम एज वन ऑफ द एक्टर्स मूवी में इज अ सिटीजन ऑफ नेबरिंग कंट्री. ठीक है, मान लो पाकिस्तान वो था, ठीक है ना, फवाद वाद, ठीक है, विथ विच रिलेशन जो है काफ़ी खराब हो चुके हैं एंड वॉर लाइक सिचुएशन जो है अभी एग्जिस्ट करती है. पॉलिटिकल एटमोसफियर जो है उस समय काफ़ी डिफरेंट था जब मूवी जो है फिल्म की जा रही थी. लेकिन अभी जो है वाइड स्प्रेड पब्लिक डिमांड है स्पेशली फ्रॉम अ लोकल पॉलिटिकल पार्टी फॉर रिप्लेसिंग द एक्टर फ्रॉम द मूवी या फिर बैन कर देना रिलीज ऑफ द मूवी इटसेल्फ. तो अगर एक्टर को रिप्लेस नहीं आता है व्हाइल यू आर अवेयर ऑफ द मूड ऑफ नेशन एंड द पब्लिक रिपरकशंस ऑफ रिलीजिंग द मूवी इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. आपको ये भी पता है कि इट इज नॉट फीजिबल फॉर यू टू रिप्लेस हिम एट द स्टेज. ठीक है, एज ही हैज सब्सटेंशियल रोल इन द मूवी. देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन इन द फिल्म फ्रेटर्निटी दैट डज नॉट वॉन्ट यू टू कॉम्प्रोमाइज इन द वेक ऑफ थ्रेट बाय द लोकल पार्टी एज इट कॉम्प्रोमाइजेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी. तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शंस एंड स्टेट देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या ले सकते हैं वाई. ठीक है, देखो इश्यूज क्या इन्वॉल्व है. सिक्योरिंग कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एज सीईओ ऑफ द कंपनी. स्टिफलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल कोएर्शन एंड इंटिमिडेशन. नेशनलिटी क्वेश्चन करना बेस्ड ऑन वंस प्रोफेशनल डिसीजंस. इंटरफेरेंस विद आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हायरिंग प्रैक्टिस. वाइड स्प्रेड पब्लिक सेंटिमेंट गाइडेड बाय चेंजिंग पॉलिटिकल एटमोसफियर. स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, सीईओ है आपका जो प्रोडक्शन कंपनी का है, मूवी स्टार है आपका जो पाकिस्तान से है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री से, रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू जो जिन्होंने काम किया है फिल्म के कंप्लीशन के लिए, मेंबर्स ऑफ द लोकल पार्टी, फिल्म फ्रेटर्निटी है आपकी, ठीक है, एज अ होल, ठीक है, ऑडियंस जो है आपकी इन जनरल. ऑप्शंस अवेलेबल क्या है, अग्री टू डिमांड्स ऑफ द पार्टी एंड रिप्लेस द एक्टर. ठीक है, इसमें मेरिट क्या होगा, एज सीईओ माय अल्टीमेट इंटरेस्ट इज कि कंपनी का प्रॉफिट. कंपनी जो है रिलाई करती है फाइनेंशियली ऑन द फोर्थ कमिंग फिल्म. इट इज इंपॉर्टेंट कि फिल्म जो है रिलीज हो. ठीक है, एंड डीमेरिट क्या होगा इसमें कि हाउ आर डूइंग सो जो है इसके एवेन्यूज होंगे पॉलिटिकल पार्टी को कि वापस भी ऐसे थ्रेड जो है रिपीट कर सकती है. एडिशनली रिप्लेसिंग एक्टर जो है इसमें वापस सीन जो है रीशूट करना पड़ेगा विच इज नॉट फीजिबल. दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप फॉर्म स्टैंड लीजिए या फिल्म को ऐसे ही रिलीज कीजिए. ये करेजियस एक्ट है. मेरिट क्या होगा, करेजियस एक्ट है और प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इसके स्टाफ, पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी का. ठीक है, साथ ही में एक इट विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग फ्री एंड लिबरल सोसाइटी बाय सेंडिंग अ वाइडर मैसेज ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लेकिन डीमेरिट क्या है इसमें, दिस कैन लीड टू केओस एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज अगर पार्टी जो है इट डज व्हाट इट हैज क्लेम्ड. ठीक है, साथ ही में देयर इज वाइड स्प्रेड पब्लिक ओपिनियन कि आपको लॉसेस भी सफर होंगे. ठीक है, तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप मिनिमाइज कर दो नंबर ऑफ सीन जिस एक्टर के हैं. ठीक है, उसमें बस एसेंशियल सीन रखिए. इससे क्या है, न्यूट्रलाइज करते वाइड स्प्रेड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट मूवी जो कि आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है. डीमेरिट क्या है, इससे दिस इंप्लाइज सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑल्सो. फर्दर कोई गारंटी नहीं है कि सच डिमांड जो है वापस रिपीट नहीं होंगे फ्यूचर में. पोस्टपोन रिलीज ऑफ द फिल्म फॉर सम डेज एंड वेट फॉर द पब्लिक सेंटिमेंट्स टू सबसाइड. मेरिट क्या होगा इसमें कि आप पोस्टपोन कर दिया आपने रिलीज ऑफ फिल्म, तो ये आपकी फिल्म को ओरिजिनल फॉर्म प्रोटेक्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा मोर टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, इंटरेस्ट मूवी स्टार के बचाएगा, मूवी अच्छी है तो इट विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स जिससे हाई रेवेन्यूज आ सकते हैं. डी मेरिट क्या है, डिले इन रिलीज जो है इसकी वजह से फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो सकते हैं, डिमोरलाइज कर देगा क्रू मेंबर्स को. कोर्स ऑफ एक्शन जो है आपका, आप अप्रोच करेंगे पार्टी लीडर को. ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं उनको एंड उनके साथ रीजनेबली बात कर सकते हैं. अगर वो रिफ्यूज करेंगे तो आप फिल्म को जो है रिलीज करेंगे विद अ सेड एक्टर. ठीक है, साथ ही में आप लोकल पुलिस को अप्रोच कीजिए और जो स्टेट लीडर्स हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि फिल्म जो है रिलीज हो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स बधाएं. ठीक है, एडिशनली आप रिक्वेस्ट करेंगे फिल्म फ्रेटर्निटी को कि वो सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट जो है शो करें एंड एसोसिएशन ऑफ वेरियस प्रोड्यूसर्स. ठीक है, एज अ मेजर ऑफ सॉलिडारिटी. साथ ही में आप ऑडियंस रिक्वेस्ट करेंगे कि फिल्म को एक फेयर चांस दें एंड सेपरेट एन एक्टर्स वर्क फ्रॉम हिज और हर नेशनलिटी. इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड एज आर्ट जो है ट्रांसमिट करता है नेशनल बॉडीज. ये सब ठीक है ना, मोवर सच एक्शंस एट होम मे ऑल्सो अफेक्ट एडवर्सली इंडियन आर्टिस्ट जो आपके फॉरेन कंट्री में काम पाकिस्तान में काम कर रहे हो. ठीक है, वहाँ पे कोई काम करता नहीं है.
17वां सवाल क्या है, इमोशंस अर्लियर कंसिडर्ड एज इरेशनल फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, ये अभी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है क्रिटिकल फैक्टर ऑफ जजमेंट, इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग क्वेश्चन आप आंसर कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर सकते हैं कोपिंग विद इंटेंस प्रेशर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जो पुलिस ऑफिसर्स फेस करते हैं, आर्म्ड ऑफिसर्स फेस करते हैं इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज। बी व्हाट आर सम ऑफ द कंसर्न्स इन इनकॉर्पोरेटिंग एन असेसमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स इन पब्लिक सर्विस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ऑलरेडी दिखा, इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड यूज अंडरस्टैंड एंड मैनेज वन्स इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ द अदर्स इन पॉजिटिव वेज, ताकि स्ट्रेस रिलीज हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, एम्पथाइज कर सके आप दूसरे के साथ, ओवरकम कर सके चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट जो है, विवाद जो है उसको डिफ्यूज कर सके। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले जो होता था इमोशंस को इरेशनल फैक्टर माना जाता था जो डिस्टॉर्ट करता है रीजनिंग को, इसलिए डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। लेकिन हाउएवर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशंस को एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस नेसेसरी होती है, इट कैन हेल्प सेग्रीगेट प्योरली इमोशनल डिसीजंस और डिसीजंस अराइजिंग आउट ऑफ एंग्जायटी, यानी कि जो घबराहट होती है, फ्रॉम डिसीजंस बेस्ड ऑन रैशनल फैक्टर्स। पुलिस ऑफिसर्स मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस जो है, ये इनको ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक आइसोलेशन होता है इनको, फैमिली और फ्रेंड्स से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहता है, स्पेशली इन एरियाज जहाँ पे पीपल इनके पोस्टिंग को अपोज करते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, लिविंग कंडीशंस काफी हार्श होती है, डेंजर होता है इनको, थ्रेट होता है हमेशा अपने लाइफ का। ठीक है, कॉम्बैटिव एरियाज में तो कॉर्नरस्टोन्स ईआई का यहाँ पे क्या है, कैसे हेल्प कर सकता है इनको डील करना प्रेशर और उससे, सेल्फ अवेयरनेस कि अपना इमोशनल और मेंटल स्टेट जो है आपको पूरा अवेयरनेस हो उसका, इन सच फिजिकली टैक्सिंग जॉब्स एंड टेकिंग एक्शन ताकि आप डिप्रेशन को अवॉइड करें एज वेल एज एक्सट्रीम स्टेप्स। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑफिसर्स ने सुसाइड वगैरह कमिट किया था। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को कंट्रोल करना इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स सच एज ओवरस्ट्रेस, वर्किंग आवर्स एटसेट्रा। सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए जो फेलो ऑफिसर्स हैं, स्पेशली सबॉर्डिनेट्स आपके एज वेल एज सिटीजंस, जो उनके ग्रीवेंसेस से डील करना चाहिए आपको। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड डेवलपिंग द एबिलिटी टू सपोर्ट वन्स फैमिली इमोशनली भले ही आप उनके पास ना हो। मोरओवर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जहाँ पे पब्लिक वेरी है ऑफिसर्स की, ईआई जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इट कैन हेल्प इन ओपन कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। हमें नोट किया जाना चाहिए कि जो ड्यूटीज हैं आपके पुलिस पर्सनल के, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ये एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूज ऑफ प्रोपोर्शनल फोर्स आगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, एंड हायरार्किकल लीडरशिप जो है एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए चेन ऑफ कमांड इन दीज फोर्सेस, हेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईआई इन दीज फोर्सेस शुड बी मॉडल अलॉन्ग दीज पैरामीटर्स। ठीक है, कुछ कंसर्न जो है इनकॉर्पोरेटिंग द असेसमेंट ऑफ ईआई पब्लिक सर्विसेज में, यह है मेजरमेंट ईआई को मेजर करने के लिए देवर टेस्ट जो ईआई को मेजर कर सकते हैं, जैसे मेयर सेल्बोरे कारूसो ईआई टेस्ट, ठीक है, वॉन्ग्स ईआई स्केल, उनकी वैलिडिटी क्वेश्चन की गई क्योंकि इनके रिजल्ट्स जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिलायबल नहीं है। अप्रोप्रिएट स्टेज जो है अगर इनकॉर्पोरेट भी किया जाए तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि वेदर टेस्ट जो है कंडक्टेड ड्यूरिंग द हायरिंग स्टेज या फिर प्रमोशन स्टेज पे। ठीक है, तो ये डिटर्मिन किया गया। इनफ्लेक्सिबिलिटी या सर्विस पब्लिक सर्विसेज जो है इसमें रिजिड स्ट्रक्चर होता है, डिसिप्लिन होता है टुवर्ड्स चेंज राइट फ्रॉम द हायरिंग प्रोसेस टू प्रमोशन एंड रिटायरमेंट, तो काफी कम स्कोप है कि यहाँ पे नए प्रैक्टिसेस को लाया जाए। डायनेमिक एनवायरनमेंट है, पब्लिक सर्वेंट जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट काम करता है जहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ इमोशन से डील करना पड़ता है आपको, तो कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट करना इमोशनल इंटेलिजेंस को ये काफी डिफिकल्ट होगा। बैलेंसिंग विद अदर पैरामीटर्स, दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे फैक्टर्स सच एज कंपिटेटिव एग्जाम्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वाइल हायरिंग पर्सनल, तो वहाँ पे ईआई का उतना बड़ा वेटेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट येट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस। 18वां सवाल क्या है, भगवतिज्म के रिलीजियस बिलीव्स क्या है। ठीक है, व्हाई वाज द नीड फॉर इट फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। देखो भागवतिज्म क्या है, टॉकिंग ऑफ भागवतिज्म, इसका बहुत पेक्यूलर बर्थ हुआ है। ठीक है, भागवतिज्म इन रोड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरनर्स इन द वेक ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मौर्य एम्पायर, ये कल्चरल शॉक था टू द आर्यनिज्म, जो हमारा आर्य धर्म था। ठीक है ना, क्वाइट नंबर ऑफ फॉरनर्स जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, विच वॉज अ सिंपल डॉक्ट्रिन अनलाइक हिंदुइज्म। ठीक है, एक्सेप्शनली अ फ्यू फॉरनर्स स्टार्टेड बिलीविंग नाउ एग्जैक्टली ठीक है existence, ठीक है, exceptionally as a few foreigners started believing in now exactly this came into existence is not known, ठीक है, ये जो cult है Bhagavatism gradually caught on and in the course of time began to be transformed into Vasudev Krishna cult, ठीक है, गुप्ता period का। This stage is the development of Bhagavatism is controversial, some opine कि Bhagavat cult है आपके north west का, ये merge हो गया आपके Krishna cult अबीर का जो मथुरा area में था। One chief attribute क्या था, the devotion, love or devotion towards God known as the Diocesian perspective in the west, Greece में। डायनेशियन और अपोलोनियन जो है ये ऑपोजिट फीचर्स हैं आपके ग्रीक कल्चर्स में। ठीक है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं एक बार डिटेल में, वैसे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, डायनेशियन और अपोलोनियन टू बिगिन विद, इट इज नॉट क्लियर हाउ ऑन हाउ दिस ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म केम अबाउट, बट इन कोर्स ऑफ टाइम इट केम टू बी ब्लेंडेड विद द ट्रेडिशनल आर्यनिज्म और ब्राह्मणिज्म। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वासुदेव कृष्ण का जो कल्ट है इट बिलोंग्स टू एपिक ऑफ महाभारत। ठीक है, इसलिए इट फॉर्म्स वन ऑफ द बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजियस कॉन्शियसनेस आज भी। भागवतिज्म की जरूरत क्या है, ब्राह्मणिज्म जो है ये एसेंशियली इंटेलेक्चुअल डॉक्ट्रिन बन गया, इसने राइट ऑफ हार्ट जो है, हार्ट मतलब फीलिंग्स जो होता है, इसको इग्नोर कर दिया।
फंडामेंटल प्रिज्म प्रिंसिपल जो ब्राह्मणिज्म टीच करता है, दैट इज इम्पर्सनल एंड स्पेकुलेटिव. ये ड्रामेटिक सॉरी डॉगमेटिक ऑर्थोडॉक्स वायलेंट रिचुअलिस्टिक फॉर्मल बन गया एंड टू रिजिड टू बी पर्स्यूड. जो पीपल थे दे वर ऑलवेज इन नीड ऑफ एन एथिकल एंड इमोशनल कल्ट, ठीक है, विच वॉज पॉसिबल टू फाइंड, जिसमें बोथ सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट एंड मॉरल गाइडेंस अंडरस्टूड नो थिंग ऑफ इट. ठीक है, तो इन सर्कमस्टांस में जो भक्ति डिवोशन है ये आपका ब्लेंड हुआ, ब्लेंडेड विद द लव ऑफ गॉड, ये इसको एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला. नीड था फॉर अ पॉपुलर हीरो हु कुड बी मेक द रैलिंग सेंटर टू कॉन्ट्रैक्ट द माइटी इन्फ्लुएंस ऑफ द हेटरोडॉक्स और हेरेटिकल सेक्ट्स, जिसने ब्राह्मणिज्म को चैलेंज किया था इन द 6th सेंचुरी. देन देयर वाज अ नीड ऑफ द अब्सॉर्प्शन और असिमिलेशन ऑफ न्यू एथनिक ग्रुप्स ट्राइबल ग्रुप्स फॉरनर्स एंड ब्रिंगिंग बैक ऑफ दीज, ठीक है, इनटू द आर्यन फोल्ड. सिक्योर रिवाइव्ड रिस्पेक्ट एंड ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ वर्ण आश्रम धर्म इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सोशल लॉ और इंश्योर सिस्टमैटिक फंक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि उसका वेलबींग हो सके. भागवतिज्म का असेंस क्या है? भागवतिज्म बिलीव करता है इन एक्शन परफॉर्म्ड अटैच टू इट्स फ्रूट इज फेटर कॉजिंग एंडलेस बर्थ्स, ठीक है, जबकि निष्काम मतलब बिना अपने कर्म के फल की कामना किए हुए जो आप करते हो, ठीक है, यानी कि अपने हित के लिए काम नहीं करना, ठीक है, इज रिलीज एंड ट्रू रिनाउंसिएशन, यानी कि जो आपका वही है कर्मण्येवाधिकारः अस्ते मा, ठीक है, यानी कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, उसी की बात की गई है. ठीक है, निष्काम कर्म जो है आपको मुक्ति देगा, और जब आप कामना करके आप कर्म करेंगे तो उससे आपको बंधित हो जाएंगे आप. ठीक है, और लविंग पर्स्यूट ऑफ गॉड जो है पसंद गॉड, इट इज ट्रू भक्ति जो इंस्पायर करता है सेल्फलेस एक्शन एंड सर्विस. पर्स्यूट ऑफ वंस वर्णाश्रम धर्म, यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन इज ट्रू धर्म. ठीक है, और जो ईश्वर है जो आपके परमात्मा है वो बार बार जन्म लेते हैं अवतार अलग अलग अवतार में ताकि अधर्म को मिटा सकें. ये आपका भागवत सारा. इसके पॉपुलरिटी का कॉज क्या है? सिग्निफिकेंटली जो कल्ट है वासुदेव का ये काफी रैपिडली बढ़ा, ठीक है, फैला जो है. ही सैटिस्फाइड ऑल द ह्यूमन अर्जेस एंड इमोशंस एज सन, ठीक है, सन बेटे के रूप में, ठीक है, ऑफ देवकी यशोदा, काउहर्ड के रूप में प्रोटेक्टिंग काउस एंड मच वेनरेटेड बोथ बाय आर्यंस एंड द नॉन आर्यंस. ठीक है, काउहर्ड मतलब जो आपके ग्वाला हो गए. ह्यूमन और डिवाइन लवर, ठीक है, तो वुमेन के लिए हो गया, ठीक है, यंग वुमेन के लिए खासकर, ठीक है, ह्यूमन और डिवाइन लवर के रूप में. सेवियर, सेवियर हो गए किसके? मेटरनल अंकल कंस, ठीक है, अच्छा सेवियर हो गए ये, ठीक है, एंड अम्बेसडर प्लेइंग द रोल ऑफ पांडवास, ठीक है, एंड चैरिटर के रूप में, यानी कि रथी के रूप में, प्रीचर के रूप में, द्वारपाल के रूप में, ठीक है, एज अ लोअर लवर ऑफ ट्रेडिशन, फ्रेंड, लवर ऑफ म्यूजिक, जस्ट काइंड, ठीक है, द्वारका का जस्ट किंग, ये किंग है द्वारका के, एंड बाय हिज एम्फेसिस ऑन अ कंबाइंड पर्स्यूट ऑफ ज्ञान कर्म भक्ति. तो इसके वजह से ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, मोर इजिली एक्सेप्टेबल हो गया. तो इट वॉज दिस ट्रेडिशन विच कुड एंड डिड अट्रैक्ट फॉरन मलेच्छ जो है फॉरनर्स को हमारे उसमें धर्म में आर्यन धर्म में आर्य धर्म में मलेच्छ कहा जाता है, जिसने ब्राह्मणिज्म को हिंदुइज्म में ट्रांसफॉर्म किया. समझ में आया? तो समाप्त कृष्ण जो है प्रॉब्ली इवन मोर पॉपुलर दैन राम है, इज अ डिवाइनिटी ऑफ अ रेयर कंप्लीटनेस एंड कैथोलिसिटी मीटिंग एवरी ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन नीड. तो ये सारे जो रोल्स हैं ये कृष्ण जो है ये पूरा देखा जा सकता है उसमें, इसलिए हर वर्ग को ये सेटिस्फाई करता है. एज अ डिवाइन चाइल्ड ये सेटिस्फाई करता है वॉर मेटर्नल ड्राइव्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड, ठीक है, एंड डिवाइन लवर के रूप में ये प्रोवाइड करता है रोमांटिक विश जो फुलफिलमेंट होती थी जब आपकी जो सेक्सुअलिटी है काफी ज्यादा कंट्रोल थी पुराने जमाने में. जैरेटर के रूप में ऑफ द हीरो अर्जुन, ही इज द हेल्पर ऑफ ऑल दोज जो उनके सामने आते हैं, मतलब जो उनके पास जाते हैं किसी भी मदद के लिए, एंड इवन सेविंग द सिनर फ्रॉम ईविल ऑफ रिबर्स, ठीक है, अगर उसमें सफिशियंट फेथ होगा ईश्वर यानी कि कृष्ण में. 19वां सवाल है, ये आपका केसड़ी है, आप मैनेजर हैं वन ऑफ द टॉप आईटी फर्म्स में कंट्री में, टास्क विद हायरिंग न्यू रिक्रूट्स फॉर एन अपकमिंग प्रोजेक्ट. आप फाइंड करते हैं, आपको पता चलता है कि कंपनी ने टैसिट इंस्ट्रक्शन दी है ऑफ नॉट हायरिंग फीमेल कैंडिडेट्स इन व्यू ऑफ द न्यू मेटर्निटी लॉ जो गवर्नमेंट ने पास किया है. यह हाईली ऑब्जेक्शनल आपको लगता है एंड आप प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं विद द पीपल इन द हायर मैनेजमेंट, बट दे आर फर्म कि वो सारे अननेसेसरी कॉस्ट जो है कट डाउन करना चाहते हैं. बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट क्या है सिचुएशन में, डिलेमास क्या है ऑन रिक्रूटिंग अ मैनेजर, ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस आप जो आपके पास अवेलेबल है एंड कौन सा आप परस्यू करेंगे एंड व्हाई. देखो स्टेक होल्डर कौन कौन है इसमें, कंपनी हायर मैनेजमेंट है क्योंकि कंपनी की इंटरेस्ट क्या है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने कॉस्ट को लोअर रखने के लिए. हायरिंग मैनेजमेंट, ठीक है, आप जो खुद हैं आप हायरिंग मैनेजमेंट, आपका फर्स्ट इंटरेस्ट क्या होगा कि आप हायर करें सुटेबल कैंडिडेट्स को फॉर द लिस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. कन्फ्रंटेशन आप मैनेजमेंट के साथ अवॉइड करें फीमेल कैंडिडेट्स को, ठीक है, देयर इंटरेस्ट लाइज इन सीकिंग अ फेयर फीमेल कैंडिडेट्स, ये आपका तीसरे हो जाएंगे, ठीक है ना, तीसरा है आपका स्टेक होल्डर फीमेल कैंडिडेट्स, उनके इंटरेस्ट कहाँ पे है, फेयर चांस टू गेट द जॉब इन द कंपनी, इन लॉन्ग रन में दे एक्सपेक्ट इंक्वायरी इन हायरिंग, ठीक है, इक्विटी इन हायरिंग एंड प्रमोशन इन अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. चौथा क्या आपका गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, चौथा ये चार स्टेक होल्डर हैं, तीसरा आपका फीमेल कैंडिडेट्स है यहाँ पे, ठीक है ना, गवर्नमेंट और सोसाइटी होगी. स्टेक होल्डर जो है ये जेंडर इक्वालिटी सी करते हैं, ये जो आपकी गवर्नमेंट और सोसाइटी है, ठीक है, इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि जो इश्यूज आपके मेटर्निटी की वजह से उठ के आ रही हैं इसको रिड्रेस किया जाए एडिक्वेटली बाय लेजिस्लेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, वो डायलेमा क्या है यहाँ पे, एक्सेप्टिंग द हायर मैनेजमेंट डिक्टम एंड अवॉइडिंग एनी फीमेल कैंडिडेट वीज अ वी यानी कि वर्सेस बीइंग फेयर एंड अपॉइंटिंग अ सूटेबल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। एडिशनली आपका ये भी डायलेमा हो सकता है ऑफ फॉरगोइंग अ बेटर कैंडिडेट जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, तो इसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा, इनकर करेंगे आप लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, एसोसिएट डायलेमा ये भी है, द लार्जर इशू जेंडर बायसेस इन द सोसाइटी ड्यू टू पैट्रियार्कल एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्टिंग विद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस विच डिमांड्स चेंज। तो इंपॉर्टेंट है जेंडर डाइवर्सिटी वर्क प्लेस में प्रमोट किया जाए, हाउएवर जो करंट सेक्शंस है बाय द कंपनी दे गो अगेंस्ट प्रिंसिपल। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं कि आप रिजेक्ट कर दीजिए फीमेल कैंडिडेट को, तो ये ऑप्शन से आप क्या है कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेंगे हायर मैनेजमेंट के साथ, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस जो इक्वालिटी का इसके कॉन्ट्ररी होगा, विरोध होगा। सुटेबल कैंडिडेट हायर करना ऑब्जेक्टिवली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आपका मोस्ट कॉम्पिटेंट और डिजर्विंग कैंडिडेट को आप जॉब दे सकेंगे इसमें, लेकिन इसमें कॉन्फ्रंटेशन होगा आपका, कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट द वे आउट, आप पर्सुएड कर सकते हैं अपने हायर मैनेजमेंट को। मोस्ट अप्रोप्रिएट वे होगा कि आप उसको पर्सुएड कीजिए थ्रू एटीट्यूडल चेंज विच हाउएवर इज वेरी डिफिकल्ट इन द इमीडिएट टर्म, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद हायरिंग वुमेन एम्प्लॉइज आर नॉट सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर टू मेन एंड प्रोडक्टिविटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, तो आप क्या है एटीट्यूडल चेंज ला सकते हैं। रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव इन असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट बायस विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, या असेस आपको करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एज वेल एज जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब प्रोफाइल जो है डज नॉट डिमांड अ पर्टिकुलर जेंडर रिक्वायरमेंट, टैसिड इंस्ट्रक्शन जो है इसको ये इट डज नॉट कैरी मच वेट and may in fact be contrary to the policies of the company. समझ में आया? Additionally, you should take gender sensitivity drive by involving peers also, especially जो आपकी working women है in the organization. ठीक है, इससे क्या है? You will uphold the dictum which is be the change you want to see, जो गांधी का था. ठीक है, 20वां सवाल क्या है? Analyze the forms of corruption, इसके challenges क्या है ethical perspective में. ठीक है, corruption देखिए, corruption global phenomenon है, ubiquitous यानी कि हर जगह फैला हुआ है, it has progressively increased, अब proliferate कर रहा है पूरे society में. ठीक है, and इसके बाद जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने करप्शन को आइडेंटिफाई किया है एज अ सिंगल ऑफ ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। बेसिकली करप्शन क्या है? इट इज एन ऑफेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पावरफुल पार्टी थ्रू मींस दैट आर इलिजिबल इमोरल इनकम्पैटिबल विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स। फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या है? एम्बेजलमेंट, ठीक है, थेफ्ट ऑफ रिसोर्सेज बाय द पीपल हु आर पुट टू एडमिनिस्टर इट, यानी आपको फंड्स वगैरह दिए हुए हैं सीरियसली आप वहाँ से स्टील कर लेते हैं। ये तब होता है जब अनफेथफुल एम्प्लॉयज जो है अपने एम्प्लॉयर से ही पैसा वैसा चोरी कर लेते हैं। नेपोटिज्म क्या है? फेवरेटिज्म, यानी कि आप अपने इन विच ऑफिसर जो है अपने प्रॉपर किनफोक यानी कि जो आपके खुद के ब्लड रिलेशन हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या फिर क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको आप हायर करते हैं इनटू इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ठीक है, ताकि आपको मतलब अपने फैमिली में आप पावर जो है पावर या फिर रिसोर्सेज जो है आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट दिस इज अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वाइडर प्रॉब्लम ऑफ पुलिस एथोस एंड ठीक है। फेवरेटिज्म क्या होता है? फेवरेटिज्म बेसिकली टूल है ऑफ पावर कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इंप्लाइंग प्राइवेटाइजेशन एंड अ हाईली बायस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज नो मैटर हाउ दीज रिसोर्सेज हैव बीन अमास्ड इन द फर्स्ट प्लेस। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मतलब क्लोजली जो है आपका नेपोटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, करप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। फ्रॉड क्या? फ्रॉड है फाइनेंशियल क्राइम जिसमें कुछ टाइप ऑफ डिसेप्शन होगा, स्विंडल होगा, डिसीट होगा, फ्रॉड में मैनिपुलेशन होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ब्राइबरी है आपकी, ब्राइबरी मतलब क्या? घूस देना, तो ये फॉर्म ऑफ करप्शन है जिसमें आप पेमेंट देंगे किसी को फॉर अ करप्ट रिलेशनशिप ताकि आपका जो चीज़ है वट एवर योर डिमांड्स आर उसको आप इजिली उसको इजिली फुलफिल कर सकते। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आता है कि कैसे आप करप्शन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन से हम लोग करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है कि लीस्ट करप्ट स्टेट जो है केरला इंडिया में, रीजन क्यों? केरला में लिटरेसी स्टेट हाईएस्ट है, लिटरेसी रेट, तो एजुकेशन जो है इस तरह से आपके करप्शन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है यानी कि रिड्यूस करता है। करप्ट पब्लिक सर्वेंट जो है ये अपने दे ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ देम एंड ऑफन डिमांड राइट्स, तो अनअवेयरनेस की वजह से बिकॉज इन द फील्ड ऑफ लॉ पब्लिक राइट्स वगैरह ये क्या है कॉमन और अनएजुकेटेड जो आदमी है आपका वो सफर कर जाता है इन अ करप्ट सोसाइटी। साथ ही में आपको गवर्नमेंट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे तो देर विल बी सर्टनली लेस रिपोर्ट्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस। ठीक है, रिवर्स पॉसिबल होगा तभी व्हेन देर आर नो मोर क्रिमिनल पॉलिटिशियंस इन आवर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज हमें चेंज करने की जरूरत है। इफ वी सी 100 पॉलिटिशियंस देन अबाउट 60% जो है इसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का इस चीज को हटाने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद क्या है? वी कैन रिड्यूस करप्शन बाय इंक्रीजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्न्ड यानी कि जो आपकी प्रजा है। ठीक है, जो आपके सिटीजन है, ये कैसे हो सकता है? ई गवर्नेंस इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कॉन्फ्रेंस था आपका जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने एग्जांपल दिया, दिल्ली मेट्रो रेलवे सिस्टम का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो है रेलवे रिजर्वेशन, ये गुड गवर्नेंस है। एंड सेड कि सारे जो लोअर कोर्ट्स हैं दे शुड फॉलो दिस एग्जांपल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजमेंट्स को अपने ऑनलाइन अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है, आरटीआई जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड देर शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन द गवर्नमेंट एंड सिटीजंस।
इफेक्टिव करप्शन ट्रीटमेंट, लैक ऑफ इफेक्टिव करप्शन ट्रीटमेंट इज अनदर रीजन, दैट मींस इंस्ट्रूमेंट जो यूज होती हैं दे नॉट रनिंग प्रॉपरली डिस्पाइट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो है आपका करप्शन अभी भी फ्लरिश कर रहा है बिकॉज ऑफ वीक एक्शन एंड प्रोसीडिंग जो है अभी भी लंबित रहती हैं आपके केसेस में, ठीक है। तो इसलिए कोई डर ही नहीं है इस एक्ट का। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, सीक्रेसी रहेगा तो सीक्रेसी में ही आपका करप्शन थ्राइव कर सकता है। तो समराइज, करप्शन जो है अनलॉफुल प्रैक्टिस है, करप्शन इज द मोस्ट सीरियस इशू अंडरमाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब टू टैकल वर्ल्ड्स मोस्ट पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम। कंट्री विद प्रेवेलेंट करप्शन कंसिस्टेंटली हैज लोअर इन्वेस्टमेंट रेट, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एंटायर GS4, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एंड इसके साथ हमने पूरा जनरल स्टडीज के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस सारे के सारे 400 क्वेश्चंस ये सारे निपटा दिए हैं। ये लास्ट एक्चुअली आपको थोड़ा सा फास्ट किया है, ठीक है, तो काइंडली एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। वेर एवर यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, पॉज द लेक्चर, पूरा आपको क्लियरली विजिबल है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए अपने आप, इट इज ईजिली कॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश द एंटायर लेक्चर सीरीज आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। ओ थैंक यू।